फाइव सेपियंस सजाए मौत। हमारे मुल्क में आधी अवाम बोलती है कि सज़ा को लाजमी होना चाहिए, जबकि आधे लोग बोलते हैं कि सज़ा को होना ही नहीं चाहिए। लॉ क्या कहता है इस मामले में, और ये जो इस सज़ा की मुखालफत करते हैं ये लोग क्या बोलते हैं, क्या दलील देते हैं ये लोग, तो आए आज इस चीज़ का पता करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी लॉ असल में बोलता क्या है इस मामले में, खासतौर पर वो लॉ जिसके तहत इस पूरी कंट्री को चलाया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 9 क्लियरली स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो ये जो आर्टिकल 9 है असल में आपको एक गारंटी भी देता है कि आपसे आपकी ज़िंदगी और आज़ादी का हक नहीं छीना जाएगा, हाँ अगर ये सब कुछ कानून के मुताबिक हो तो। तो साथ ही साथ ये आर्टिकल एक वार्निंग भी देता है आपको कि अगर आपने कानून तोड़ा तो फिर देख लेना। तो यहाँ पे गारंटी भी है और साथ ही साथ वार्निंग भी है। तो अब ये तो हमें पता लग गया कि पाकिस्तानी लॉ असल में बोलता क्या है इस मामले में। अब मैं ज़रा आपको बताऊँगा कि असल में कौन से मशहूर केसेस हैं जिनमें कि अंडर पाकिस्तानी लॉ एक मुजरिम को सजाए मौत सुनाई जा सकती है, और वो तमाम केसेस कौन से लॉ के कौन से सेक्शन के तहत डील किए जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे मशहूर केसेस का जिक्र करूँगा, तमाम का नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। तो जो मशहूर केसेस हैं उनमें नंबर 1 पे है कत्ल का केस, जिसको डील किया जाता है अंडर सेक्शन 302 पाकिस्तान पिनल कोड। इसमें एक अगर मुजरिम पकड़ा जाता है उसको साबित हो जाता है तो उसको सज़ाए मौत सुना दी जाती है। दूसरा अहम केस है रेप के केसेस जितने भी हैं तमाम, उनको भी इसी पाकिस्तानी पिनल कोड के तहत ही डील किया जाता है, तो उसकी सज़ा भी सज़ाए मौत है अगर साबित हो जाए। फिर तीसरा अहम केस है टेररिज्म का, दहशतगर्दी, जिसको एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत डील किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है बगावत यानी हाई ट्रेजन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डील किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दहशतगर्दी और बगावत एक ही चीज़ है, लेकिन इन दोनों में ज़रा फ़र्क है। एक बागी ज़रूरी नहीं है कि दहशतगर्द भी हो, लेकिन एक दहशतगर्द तो कन्फर्म बागी होता है, तो ये ज़रा छोटा सा फ़र्क है इनमें। तो ये कुछ चंद मशहूर केसेज हैं, मैंने सबका जिक्र नहीं किया, मुझे पता है और भी बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन ये मशहूर केसेज हैं जिनमें सज़ा हो सकती है। तो अब हमें ज़रा ये तो एक रफ सा आइडिया हो गया कि किन केसों के अंदर सज़ा हो सकती है सज़ाए मौत। लेकिन अब कुछ लोग, जैसा मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था, कई सज़ा के ख़िलाफ़ हैं, वो बोलते हैं कि ये सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए यार, एक औरत के साथ सरेआम ज़्यादती हो जाए, और वो बोल रहे हैं कि इस मुजरिम को सज़ा ही नहीं होनी चाहिए, उसको सिर्फ कैद में डाल देना चाहिए। ये किस किस्म के पागल लोग हैं, इनकी अक्ल का घास चरने गई हुई है। तो ये दलील का देते हैं इस मामले में, तो ये जो दलील देते हैं ये मेरी अपनी दलील नहीं है ना मेरी अपनी राय है, मैं तो लॉ के साथ हूँ। लॉ अगर बोलेगा कि सज़ाए मौत होनी चाहिए तो होनी चाहिए, अगर बोलेगा कि नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, मैं तो लॉ के साथ हूँ। तो ये लोग जो दलील देते हैं वो असल में ये देते हैं कि ठीक है, मिसाल के तौर पर एक अदालत में एक आदमी का केस का फैसला हुआ, कत्ल का केस है, उसको सज़ा हो जाती है उस केस में, और उसको सज़ा मिल भी जाती है, यानी कि उसको फांसी चढ़ा देते हैं। तो बाद में पता लगता है कि ये वो असल मुजरिम था ही नहीं कभी, ये बेचारा तो मासूम था, ये सिर्फ गलत टाइम पर गलत जगह पर मौजूद था, जिस वजह से इसको मुफ्त में सज़ा मिल गई। तो अगर अब ऐसा हो जाए कोई मासूम बंदा सज़ाए मौत पर चढ़ जाए, फांसी पर चढ़ जाए, तो इसका क्या हाल होगा फिर, क्या आप उसके जो लवाहकीन है उसकी फैमिली है बाद में उसको क्या जवाब देंगे कि सॉरी हमें पता नहीं लगा कि आपका बंदा मासूम था, यहाँ से कोई वापसी नहीं है। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता इस मुल्क की पूरी हिस्ट्री में एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ ना कि एक मासूम बंदा फांसी चढ़ गया हो, कई लोग चढ़े होने हैं, मासूम लोग फांसी चढ़े होने हैं। लेकिन हाँ अब मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बंदे को सारी ज़िंदगी कैद में डाल दिया जाए और अगर उसको भी बाद में पता लगे कि वो मासूम है, तो फिर भी वो भी नुकसान बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम से कम उसकी ज़िंदगी तो है ना उसके पास, अगर सज़ाए मौत हो जाए तो वहाँ से कोई वापसी नहीं है। ये असल में दलील देते हैं ये लोग। तो मैंने आपको दोनों साइडों के बारे में बता दिया कि लॉ क्या बोलता है और ये लोग यह दलील देते हैं जो उसके ख़िलाफ़ हैं। तो दोनों साइडों को मैंने आपको बता दिया, अब आगे आपका फ़ैसला, आप क्या मानना चाहते हैं कि ये सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस जगह पर टच करके, और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप मुझे सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट करें। मैं ज़रूर इस तरह की वीडियोस बनाऊँगा, उन्हें देखिएगा, और ये कुछ पुरानी वीडियो है इनको भी जरूर देखिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे आप।